नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और एंटीलिया केस में रोज आ रहे नए खुलासों के बीच आज महाराष्ट्र में चिट्ठी बम विस्फोट हुआ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने यह चिट्ठी बम फोड़ा है, जिसकी चपेट में अब लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार आ चुकी है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर इस चिट्ठी में संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एंटीलिया केस में खाकी के बाद अब खादी की भी एंट्री हो चुकी है। पहले सचिन वाझे की गिरफ्तारी, फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर का तबादला, और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक वाली कार से रोज नए विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं, जिसकी चिंगारी मुंबई पुलिस से होते हुए अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी में लिखा है, क्राइम ब्रांच की सीआईयू को लीड कर रहे सचिन वाझे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाझे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाझे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1,750 बार और रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। इस चिट्ठी बम ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिला कर रख दिया है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते हैं तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें, और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो कर वसूली करती है, लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। एक एक मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। ये सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है, ये खतरनाक सरकार है। परमवीर की चिट्ठी के खुलासे के बाद अनिल देशमुख की सफाई सामने आई, जिसमें अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार कर दिया। परमवीर सिंह ने कार्रवाई से बचने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मुकेश अंबानी केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में जांच बढ़ रही है और ये जांच परमवीर सिंह तक पहुंचने की आशंका है। जांच जारी है। ये देखिए, ये जो बोर्ड लगा है ज्ञानेश्वरी का, यहीं पर ये निवास स्थान है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, और हलचल यहाँ पर अचानक बढ़ गई है। देखिए, पुलिस की यहाँ पर देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अंदर क्या हलचल है मैं देखने की कोशिश करता हूँ। ये बताया गया है कि गृह मंत्री यही है, आज अंदर ही है, मुंबई में ही है। 17 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर के ट्रांसफर का फैसला किया था, जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया था। महाराष्ट्र सरकार इस पर खुलकर बोलने से बचती नजर आई। वहीं आज के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक दिल्ली में शरद पवार और अनिल देशमुख की बैठक में भी शरद पवार ने अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय से जाने के बारे में कहा था। पवार ने देशमुख की शिकायत आने की बात कही थी और उन्हें मंत्रालय से हटाए जाने के संकेत दे दिए थे। बहरहाल एंटीलिया का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है।
जिसने पुलिस के बाद अब महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई से सर्व वक्तानिया साहिल जोशी के साथ दिल्ली से अशोक सिंघल आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जो चिट्ठी भेजी गई ईमेल के जरिए इस पर दस्तखत नहीं है, हालांकि नाम लिखा गया परमवीर सिंह का। और महाराष्ट्र की सरकार अब कह रही है कि इस ईमेल की जांच की जाएगी। ये ईमेल परमवीर सिंह के जीमेल आईडी से भेजा गया था, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं है। साहिल जोशी हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त। साहिल, दस्तखत नहीं है ये बात तो गृहमंत्री को भी पता होगी, और किसी ने रिएक्ट किया ना हो, गृहमंत्री ने तो रिएक्ट किया। वही चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का यही कहना है कि ये कैसे उन्होंने इतने जल्दी रिएक्ट किया, क्योंकि मैं आपको अभी पूरा मामला बताता हूं जो मीडिया में लीक हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भेजा गया था, गवर्नर हाउस को भी भेजा गया था और ये सारी चीजें। लेकिन ईमेल से परमवीर सिंह जो डायरेक्टर जनरल है उनके जीमेल आईडी से ये लेटर जो है ये भेजा गया था चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस को। चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहता है कि हाँ, हमको उनके जीमेल एक जीमेल आईडी से जिसमें परमवीर .123 इस तरीके का कोई जीमेल आईडी है उनसे वो भेजा गया है। उनका यह कहना है कि उस लेटर पे परमवीर सिंह के दस्तखत नहीं है। दूसरी अहम बात, अगर उसका ग्रैब हम दिखा पाए, उनका यह कहना है कि जो हर सरकार के पास हर बड़े अधिकारी की जानकारी होती है जिसमें उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी, उसके साथ साथ जो पर्सनल ईमेल आईडी है उनका, वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, उसी से ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जाता है। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, सीएम ऑफिस का यह कहना है कि जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी परमवीर सिंह का उनके पास है वो हॉटमेल का आईडी है। इसके चलते वो पहले तो ये जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या सचमुच में परमवीर सिंह का उनका कोई जीमेल आईडी भी है और उनसे उन्होंने सचमुच में ये जानकारी उनको भेजी है, ये खत उनको भेजा है कि नहीं भेजा है, क्योंकि उस चिट्ठी पे कोई हस्ताक्षर नहीं है, ये उनका पहला कहना है। दूसरा कहना, उनका जो रजिस्टर्ड प्राइवेट ईमेल आईडी उनके पास है, जो सरकार के पास है, उससे ये खत नहीं भेजा गया, इसीलिए वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन मानने को अभी तक तैयार नहीं है। और इसीलिए परमवीर सिंह से इसके बारे में पहले तो जानकारी ली जाएगी, उनको ईमेल भेजा जा सकता है या उनको खत लिख के यह पूछा जा सकता है कि जो ईमेल कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास उनके जीमेल आईडी से आया हुआ है, जो भी जीमेल आईडी से आया हुआ है, वो क्या सही और अधिकृत माना जाए परमवीर सिंह के तरफ से, और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही इतना राजनीति फैलने के बाद सुलह सपाटे की गुंजाइश होती है क्या मीडिया में है? उस देखिए, ऐसा है, राजनीति और इस तरीके के मामले रोहित आपने भी इतने साल से देखे होंगे, सुलह सपाटे कभी भी हो सकते हैं। आपने इससे भी बड़े कांड दिल्ली में भी देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो सुलह सपाटे की कोई कोशिश चल रही है कि नहीं चल रही है। जो अधिकृत स्टैंड फिलहाल चीफ मिनिस्टर ऑफिस ले रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक खबर के तौर पर। जो ऑफिशियल स्टैंड फिलहाल जो मीटिंग की बात हम लोग कर रहे थे, मुख्यमंत्री खुद एक कोविड टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे पॉजिटिव निकले हैं, तो वो खुद कोविड टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनका जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुआ है चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और चीफ मिनिस्टर दफ्तर के जो बाकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनका हुआ है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस का यह कहना है कि हम ये अधिकृत कम्युनिकेशन तब मानेंगे जब हमारे पास परमवीर सिंह से या तो अधिकृत चिट्ठी आए, साइंड लेटर आए, या फिर उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है उसके आईडी से वो हमारे पास लेटर आए, या फिर परमवीर सिंह खुद हमें कहे कि हाँ वो जीमेल आईडी मेरा ही है और मैंने ही आपको ये चिट्ठी लिखी है, तब हम उस पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा उस पर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने कोई कुछ भी कहने से मना कर दिया है कि फिलहाल उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर है जिसका जिक्र आपने सही तरीके से किया कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में क्या चल रहा है वो जाने बिना अनिल देशमुख ने पहले ही अपना एक बयान निकाला है और कहा है कि वो डिफेमेशन की कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने 6-7 पॉइंट लिखे हैं एक रिबटल के तौर पर। जो चिट्ठी फिलहाल मीडिया में चल रही है उसके तौर पर उन्होंने ये लिखा है, परमवीर सिंह से हमने संपर्क किया, परमवीर सिंह इस बारे में ना कोई कंफर्मेशन कर रहे हैं, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। इसका मतलब हम ये पकड़ के चलते हैं कि हाँ परमवीर सिंह ने ही ये चिट्ठी लिखी है, ये हम पकड़ के चलते हैं। जब कोई हाँ या ना दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि हाँ उन्होंने ये चिट्ठी लिखी होगी। लेकिन जहां तक अधिकृत, क्योंकि सरकार जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करती है, कहीं भी मीडिया के खबर में क्या चल रहा है, मीडिया में कौन सी चिट्ठी चल रही है उस पर काम नहीं करती। तो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में तो ये स्टैंड लिया हुआ है कि हमें ये चाहिए कि ये सवाल पूछा जाएगा, परमवीर सिंह जिसका आपने बखूबी जवाब भी दिया कि गृह मंत्री ने रिएक्ट कर दिया ये जाने बिना कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में बिल्कुल क्या चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के मन में क्या चल रहा है या सरकार के मन में क्या चल रहा है इसके संकेत
शायद उनको पहले से मिल गए होंगे जब उनको दिल्ली बुलाया गया था। वैसे परमबीर सिंह के आरोप संगीन है। परमबीर की इस कथित चिट्ठी में देशमुख के टारगेट 100 करोड़ के पूरे प्लान का जिक्र किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के मुताबिक क्या था अनिल देशमुख का वसूली प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई पुलिस से वसूली कराने का आरोप, हर महीने 100 करोड़ का टारगेट, रेस्टोरेंट और बार से 50 करोड़ वसूलने का प्लान। परमबीर की उद्धव को लिखी चिट्ठी किसी पंप से कम नहीं है, जिसमें खुलासों का विस्फोट हो रहा है। चिट्ठी के आरोपों की माने तो देशमुख ने वसूली का पूरा खाका तैयार कर रखा था, कैसे 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया जाए। 100 करोड़ के टारगेट में सबसे ज्यादा निशाने पर मुंबई के बार और रेस्टोरेंट थे। करीब 1700 से ज्यादा बार को टारगेट करना था, हर बार से करीब 2 से 3 लाख की वसूली करनी थी और महीने में करीब करीब 40 से 50 करोड़ की वसूली का टारगेट था। सरकार जनता की रक्षा के लिए होती, पर ये 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए, उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे। परमबीर ने अपनी चिट्ठी में एसीपी पाटिल के साथ हुई व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर वो पाटिल से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पाटिल, जब फरवरी महीने में तुम गृह मंत्री और उसके सेक्रेटरी से मिले थे, तब गृह मंत्री ने कितने रेस्टोरेंट और बार की बात कही थी और कितना पैसा वसूलने को कहा था, जल्दी बताओ। 1750 बार और रेस्टोरेंट, हर बार से महीने में 3 लाख रुपए की उगाही के लिए कहा गया था, महीने में 50 करोड़ की वसूली का टारगेट था। गृह मंत्री के सेक्रेटरी पलांडे ने इन्फोर्समेंट के डीसीपी भुजबल को भी ये बात कही थी। इससे पहले तुम गृह मंत्री से कब मिले? हुक्का ब्रीफिंग के 4 दिन पहले। और वाजे गृह मंत्री से कब मिले थे? सर मुझे सही तारीख याद नहीं है। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिन पहले। हाँ सर, फरवरी के अंत में। ये पूरी चैट 16 मार्च की है, शाम करीब 5 बजे से रात करीब 9 बजे तक ये बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात, उसी दिन रात को उद्धव ठाकरे के साथ देशमुख की बैठक हुई थी जिसमें परमबीर भी शामिल हुए थे। इसी दिन एनआईए ने सचिन वाजे को भी गिरफ्तार किया था और इस बैठक के बाद अगले ही दिन परमबीर का तबादला कर दिया गया। इस तबादले के बाद 19 मार्च को एक बार फिर परमबीर और एसीपी पाटिल के बीच बातचीत हुई, जिसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। मुझे आपसे कुछ और जानकारी चाहिए, क्या गृह मंत्री से मिलने के बाद वाजे तुमसे मिला था? हाँ, वाजे मिला था। क्या उसने गृह मंत्री से मुलाकात के बारे में बताया? मुलाकात का मकसद था कि 1750 बार से करीब 40-50 करोड़ रुपए वसूलना है। ये वैसे ही था जैसे गृह मंत्री ने तुमसे कहा था? हाँ, 4 मार्च को मुझसे कहा गया था। चिट्ठी में परमबीर ने देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। सहयोग न करने पर परमबीर को बाईपास करने का भी जिक्र है। परमबीर का कहना है कि पुलिस के कई अधिकारियों को देशमुख ने अपने आवास पर बुलाकर अपने हिसाब से मनमाने तरीके से जांच करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी में देशमुख पर एक सांसद की आत्महत्या के मामले को हत्या की कोशिश में तब्दील करने का भी आरोप है। दादर और नगर हवेली के सांसद मोहन टेकलर की मौत के मामले में गृह मंत्री की ओर से लगातार मुझ पर दबाव बनाया गया कि इस मामले को मैं आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करूं। इस मामले में पुलिस को सांसद का सुसाइड नोट भी मिला था। गृह मंत्री के दबाव के बावजूद जब मैंने इस मामले में अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज नहीं किया तो मुझे उसकी नाराजगी झेलनी पड़ी। आरोप गंभीर है, खाकी और खादी की मिलीभगत के इल्जाम लगे हैं, जिसने पूरे केस को सियासी बना दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके केंद्र में है सचिन वाजे।
आरोप यही कि सचिन वाजे के सहारे मुंबई में वसूली का बड़ा प्लान तैयार किया गया था। ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर सचिन वाजे कितना बड़ा शातिर है कि 100 करोड़ के वसूली प्लान के लिए उसे ही चुना गया, और इस पूरी प्लानिंग के पीछे और कौन कौन थे, किस किस का नाम है, इसका जिक्र भी परमवीर सिंह की चिट्ठी में मिलता है। एक चेहरा, कई कहानियां और साजिश के बड़े बड़े किरदार। और फिर रहस्य की पूरी कहानी घूम फिर कर इसी चेहरे पर आकर टिक जाती है, जिसका नाम है सचिन वाजे। मुंबई पुलिस का ये सुपर कॉप फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में है, लेकिन परमवीर सिंह की सनसनीखेज चिट्ठी सामने आने के बाद फिर यह किरदार लोगों के दिमाग में कौंधने लगा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर सचिन वाजे का तिलस्म लोक कितना बड़ा और खतरनाक है। सचिन वाजे कितना शातिर खिलाड़ी है जिसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली का जिम्मा सौंप रहे हैं। दरअसल 25 फरवरी को अंबानी के घर एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली तो केस क्राइम ब्रांच के सीआईयू के ऑफिसर सचिन वाजे को सौंपा गया, और उसी के बाद इस पूरे केस के तार यूं उलझते गए कि अब बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई है। इस केस में मनसुख हिरेन की हत्या के बाद से ही विपक्ष लगातार शिवसेना और सचिन वाजे की सांठगांठ का आरोप लगा रहा है, लेकिन एनआईए की गिरफ्तारी से पहले तक शिवसेना सचिन वाजे को बचाती ही नजर आ रही थी। क्या अनिल देशमुख जी का इशारा ये शिवसेना की ओर है कि शिवसेना की ओर से बहुत बड़ी गलतियां हुई है, किसकी ओर उनका इशारा है? इन दोनों दलों का आपसी मनमुटाव, इनका आपसी संघर्ष, उसी के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और ऐसे कौन से कारण हैं कि 22 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी की पूरी सरकार वाजे गैंग को बचाने के पीछे पड़ी है? इन बातों का जवाब शिवसेना को, महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। देखिए, हर अफसर का एक बॉस होता है और होता सरकार, ये फर्नांडिस साहब को मालूम है। सरकार ही बॉस होती है, जो सरकार सत्ता पे बैठती है, बहुमत वाली सरकार होती है, वो प्रशासन की बॉस होती है। क्या बॉसेस की बात करते हो? जब आप थे मुख्यमंत्री तो आप भी पॉलिटिकल बॉस थे सरकार के। उस वक्त परमवीर सिंह साहब हमारे जो है वो थाने के कमिश्नर थे, आपने उसकी अपॉइंटमेंट की थी, तो आप भी बॉस थे उस वक्त उसके। तब भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर सचिन वाजे का कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है और उसका गॉडफादर कौन है कि महाराष्ट्र की सरकार तक उस पर सीधे एक्शन लेने की बजाय उसे बचा रही है। सचिन वाजे का नाम महाराष्ट्र में तब सुर्खियों में आया था जब 2004 में ख्वाजा यूनुस की मौत के बाद वाजे को निलंबित किया गया था। 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हुआ, और फिर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनने के बाद 2020 में एक बार फिर सचिन वाजे को वर्दी मिल गई। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सचिन वाजे और शिवसेना के गहरे संबंध हैं, और इसीलिए उसे एंटीलिया और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में बचाया जा रहा है। यहां तक कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से परमवीर सिंह के तबादले का कनेक्शन भी सचिन वाजे से जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नंबर एक, नंबर दो, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहां के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहां से हटाया गया। 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ, और जैसे ही मार्च में कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है,
हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। सचिन वाजे की ताकत और उसकी बैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनआईए की गिरफ्त में आने के बाद भी वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। अब परमवीर सिंह ने सचिन वाजे का नाम लेकर सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली के आदेश का आरोप लगा दिया है, जिसने पूरे केस को और उलझा कर रख दिया है। लेकिन ये बात साफ है कि एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक की कहानी कई कड़ियों और किरदारों से जुड़ी हुई है, और इसकी एक एक परत हटने के साथ कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, और इस पूरे कांड का सबसे बड़ा खुलासा सचिन वाजे ही कर सकता है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। विक्रम सिंह जी, फंस गई शिवसेना की सरकार, महाविकास अगाड़ी की जगह अब लोग महावसूली अगाड़ी कहने लगे बीजेपी के नेता। रोहित जी देखिए, ये जो आरोप अभी जो लगाए जा रहे हैं, मुझे तो इनमें कोई आधार नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कि एक आदमी पूरी मुंबई से कैसे वसूली कर सकता है। अगर ये बात सच है तो इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर परमवीर सिंह को कुछ बताना था तो पूरे प्रूफ के साथ बताना चाहिए, इसमें कितने लोग लगे हुए थे। 2 साल के करीब सरकार को बने हो गए, ये 100 करोड़ रुपए एक महीने का कहते हैं, तो 2400 करोड़ रुपए कहाँ दिए, किसको दिए, ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए। लेकिन आप जरा खुद भी सोचे कि पूरी मुंबई के अंदर एक आदमी इतनी जगह से अगर वसूली करेगा, उसका तो मेरे ख्याल से एक महीने से ज्यादा टाइम तो उसको जगह जगह घूमने के लिए चाहिए। तो कौन से ऐसे स्रोत थे, किस माध्यम से ये सब किया जा रहा था, परमवीर सिंह को सारी चीजों का खुलासा करना चाहिए। अगर ऐसी बात है, वो आरोप लगा रहे हैं और अनिल देशमुख जी उनको मना कर रहे हैं, तो आप जितने जेम्स बॉन्ड आप हो रहे हैं इस समय इस पूरे मामले को लेके कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इतने पैसे हुए तो इतने पैसे हो जाते हैं, वो पैसे कहां गए? परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर है ना, रहे हैं अभी तक, 2 दिन पहले तक थे। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो वो कोई कहानी की किताब से मनोहर कहानियां निकाल के तो लिख के छाप नहीं रहे होंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट है, ये मैसेजेस पे बात हुई है, ये व्हाट्सएप चैट है, ये अफसर वहां पे शामिल थे, इन इन के नाम है, ऐसे तो आरोप नहीं लगा दिया होगा उन्होंने? उनको भी पता होगा कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा था कि इसमें पूरा खुलासा और भी तो नाम बताएं, वो सारी कुछ उनको बताना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि सब वही बताएंगे। कितना दम देशमुख जी से कुछ नहीं पूछेगा? नहीं देखिए, आप देशमुख जी के इस्तीफे की बात कर रहे हो, जब नहीं कर रहा, केस में था तो कर रही है। आपने कहा कि इनको क्यों हटा दिया, परमवीर सिंह को क्यों हटा दिया जांच से पहले। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं, जांच कैसे होगी, पहले गृह मंत्री को हटाना चाहिए, तो दोनों बातें नहीं होनी चाहिए ना एक साथ भाई? अगर कमिश्नर के ऊपर आंच आ रही है एक मामले में, तो उनके रहते निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती थी? आपने ये मानते हुए उनको हटाया। अब अगर गृह मंत्री खुद आरोपों के घेरे में आ गया, तो गृह मंत्री के रहते हुए फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वही लॉजिक तो यहां भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? या इनके लिए अलग लॉजिक है, उनके लिए अलग लॉजिक है? हाँ, तो जांच में किसने, क्योंकि अफसर को निपटाना आसान होता है और नेता अपना आदमी है, उसको कैसे निपटाएं? नहीं तो रोहित जी, जांच में किसने रोका? आप जांच कराओ ना, जांच के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। किससे कराया जाए? मीडिया और आज किससे कराया जाए? क्योंकि आज मीडिया आज बिना जांच के बिना कोर्ट के उसके किसी को भी दोषी मान लेता है, तो वो भी सही नहीं है। दोषी नहीं कहा हमने, कहा गृह मंत्री पर आरोप लगा है। तो हाँ, तो अनिल देशमुख जी मना कर रहे हैं इस चीज को, नकार भी बता रहे हैं कि अनिल देशमुख मना कर रहे हैं, परमवीर सिंह ने। लेकिन ये सवाल तो आएगा ना विक्रम जी, कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो अगर बैठा रहेगा ओहदे पर, तो फिर जांच कैसे होगी उसके नीचे लोगों के जरिए? क्योंकि जांच करने वाले तो सब उसके नीचे के ही है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जांच के लिए किसने रोका है? आप जांच तो करवाइए ना, कुछ तो आधार दीजिए। मैं आधार की बात कर रहा हूँ कि इसको किस आधार के ऊपर, कोई तो इसका बेस होना चाहिए ना, कि कैसे कैसे नेटवर्क था, मतलब नेटवर्क वसूली की। अगर किसने कमिश्नर पूर्व चिट्ठी लिख रहा है तो वो आधार नहीं है जांच का? नहीं नहीं, क्योंकि आपने कह दिया, बताओ एक आदमी नहीं, क्या एक आदमी कर सकता वसूली? एक आदमी नहीं, वो एक कमिश्नर का ओहदा है मुंबई में, जो बैठ के ये आरोप लगा रहा है, समझिए इस बात को। नहीं तो ये जो नाम आया सचिन वाजे का नाम आया, कि सचिन वाजे इस चीज के लिए 100 करोड़ रुपए का। सर, इन्होंने और भी अफसरों के नाम लिखे अपनी चिट्ठी में, अगर आपने ना पढ़ी हो, उसमें उन्होंने लिखा है किस किस डीसीपी को किस किस को बुलाया गया था और कैसे कैसे हुक्का बारों से कितना कितना टारगेट दिया गया था कि इतना वसूल करके लाना है, और वो तो तरीका भी बता रहे थे, यहाँ तक कहा इन्होंने तो। सब सामने वो सब रोहित जी सब सामने आके बोले ना, फिर सब आए, सबको सामने लाया जाए। अच्छा, कमिश्नर का बोलना काफी नहीं है, आपको 12 गवाही चाहिए कि कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं, तब जांच होगी, वरना नहीं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने और नाम बताए तो उनको भी सामने आना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, एक एक करके उन तक भी पहुंचेंगे कैमरे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा,
लेकिन अभी तो शिवसेना से यह पूछा जाएगा ना कि अगर आपका वो अफसर जो दो दिन पहले तक आपका ब्लू व्हाइट बॉय था उसके ऊपर आपने कार्रवाई की और वो आप ही की पोल खोल रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब ये झूठा है बिना जांच के? वो भी आप मुझे बताओ कि महाराष्ट्र में बीजेपी भी एक मजबूत पक्ष है और उनको इस चीज का नहीं पता था और सारी जानकारी फडणवीस जी को मिल रही थी और इस चीज की जानकारी नहीं मिली आज तक। आपको क्या मालूम? मुझे बताइए कि आपको क्या मालूम, उनको पता ही हो। दुखद है ये तो आपको भी नहीं मालूम ना। पहले क्यों नहीं उठाया गया इस बात को? पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? अच्छा, बीजेपी ने क्यों नहीं उठाया इस बात? मतलब ये भी वो आपसे पूछ के करते कि पहले मैं ये वसूली वाला खुलासा कर दूं या ये बाजे वाला खुलासा कर दूं? नहीं तो बीजेपी सोरी थी कि इतने महाराष्ट्र में वसूली हो रही है, मुंबई जांच करना बीजेपी का काम है कि आपके मुख्यमंत्री का उसको पता हो कि उसके गृह मंत्री क्या कर रहा है और कमिश्नर क्या कर रहा है? ये बीजेपी का काम है बताना या आपके मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए? इतनी वसूली थी, जांचें वसूली की जा रही थी, क्या उन्होंने कभी बीजेपी से कभी बीजेपी वालों को पता ही नहीं चला? बीजेपी वाले क्या सो रहे थे वहां पे? विपक्ष आप किसको कहते हो? एक मजबूत विपक्ष है वहां पे। विक्रम, आप अपनी सरकार का बचाव करने आए कि उसे गड्ढे में गिराने? और नहीं, क्या गड्ढे में? क्योंकि आप जो बातें बता रहे हैं, जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं विक्रम जी, उससे तो आपकी सरकार की रही सही इज्जत भी आप गवा के चले जाएंगे। क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी खुलासा कर देती, बीजेपी कार्रवाई कर देती। सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका है। बीजेपी अगर ऐसा, पहले आरोप यह लगा कि सचिन वाजे इतना कुछ कर रहा था, मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा क्योंकि वो गृह मंत्री के अंडर काम कर रहा था। अब गृह मंत्री इतना कुछ कर रहे थे, मुख्यमंत्री को तब भी पता नहीं लगा वो किसके अंडर कर रहे थे भाई? नहीं, बीजेपी को मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी को क्या पता नहीं चला इतना कुछ हो रहा था? बीजेपी को पता नहीं चला? चलिए सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पहले बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, भाई गौरव भाटिया जी, फडणवीस ने एक महीना पहले, दो महीना पहले, तीन महीना पहले क्यों नहीं बता दिया कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट है? फडणवीस ने एक महीना, दो महीना पहले क्यों नहीं बता दिया कि सचिन वाजे नाम का एक इन लोगों का शिव सैनिक है जिसको अब पुलिस में भर्ती किया गया है तो उसको इस तरह के कामों में लगाया गया? क्यों नहीं बताया बीजेपी ने? वो सवाल उठा रहे। देखिए रोहित जी, जो आरोप लगे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं और विक्रम जी ने जो प्रश्न पूछा है ना, यही प्रश्न तो देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता उनकी सरकार से पूछ रही है और मैं उन्हीं का प्रश्न दोहरा रहा हूं। एक आदमी पूरे महाराष्ट्र से वसूली कैसे कर रहा था, यही तो प्रश्न पूछ रही है जनता। और लोकतंत्र के लिए ये सरकार खतरा बनी हुई है। और आपने बहुत ही पते की बात कही, कोई भी जांच निष्पक्ष तभी हो सकती है कि जिस पे आरोप हो वो उस जांच का हिस्सा ना हो या उसके पास ये अधिकार ना हो, जो जांच करे उसको वो आदेश दे सके। तो जिस तरह से कमिश्नर को हटाया गया, उसी तरह से आज गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख जी को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्यों मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए हुए चुप्पी साधे हुए हैं? और हम सबने सुना है सरकार का दायित्व होता है कि वो कर वसूली करे, टैक्स कलेक्शन करे। ये पहली ऐसी सरकार है जो एक्सटॉर्शन वसूली का टारगेट बना रही है और उसके बाद बता रही है कि 50 करोड़ रुपया महीने का आना चाहिए। ये इतने गंभीर आरोप है कि निष्पक्ष जांच होगी तभी पता चलेगा। और एक बात और मैं प्रवक्ता महोदय से कह दूं, अभी आपने कहा ना जांच करवाइए, तो आप कह दीजिए मुख्यमंत्री से कि वो जांच की सिफारिश सीबीआई से कर दें, तो खुद ही जांच होने लगेगी, सब सामने आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा मामले में चाहे कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये भ्रष्टाचारी अघाड़ी सरकार खुद इस तरह का भ्रष्टाचार होने दे रही थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एंटीलिया के पास विस्फोटक से शुरू हुई कहानी की कई और परतें अभी खुलनी बाकी हैं। जिस सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ की वसूली का प्लान बनाया गया वो अभी एनआईए की पकड़ में है और अब लग रहा कि इस केस की जांच पूरी होने तक कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। पच्चीस फरवरी की शाम एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी कार मिली और फिर कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह आगे बढ़ने लगी। जांच के बीच केस के अहम किरदार मनसुख हिरेन हत्या ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया। यही एक शक की सुई सचिन वाजे की ओर घूमने लगी।
यहां तक कि मनसुख के परिवार ने भी सचिन वाजे पर सीधा आरोप लगा दिया और अब परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद ये पूरा केस अनिल देशमुख के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अगर परमवीर सिंह के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो ये बात साफ है कि सचिन वाजे को मोहरा बनाकर कोई बड़ी चाल चली जा रही थी और इसके पीछे कई ताकतवर चेहरे शामिल हो सकते हैं। एंटीलिया केस में अब तक की जांच में ये बात साफ होती जा रही है कि सचिन वाजे ही पूरी साजिश का सूत्रधार था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि आखिर उसका मकसद क्या था और किसकी शह पर उसने मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक का पूरा प्लान रचा। एंटीलिया केस में एनआईए उस मर्सिडीज को कब्जे में लेकर जांच कर चुकी है जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे किया करता था और इसी कार का नंबर प्लेट विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो में भी मिला था। सिर्फ काली मर्सिडीज ही नहीं बल्कि कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सचिन वाजे के गले का फंदा बन रही है। जांच से जुड़े सूत्रों की माने तो सीसीटीवी में कैद वीडियो मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे के हो सकते हैं। जांच की कड़ियां जोड़ने से इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए और वापस दोबारा मौके पर आए। एनआईए इस केस पर एक एक सबूत इकट्ठा कर अहम सूत्रधार तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी कि परमवीर सिंह के चिट्ठी बम ने इस केस में अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। परमवीर सिंह की चिट्ठी में आरोप अनिल देशमुख पर हैं और इसका जरिया है सचिन वाजे। एंटीलिया में विस्फोटक और मनसुख हिरेन की मौत का केस अब महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। एनआईए को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इस पूरी साजिश में सचिन वाजे के अलावा कई बड़े अफसर भी शामिल हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनना तय है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक।